श्री गणेशाय नमः। मैं कृति कानाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल केके ब्लॉग में। आज हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए मैंने बना लिया है यहाँ पे चॉकलेट स्पंज। 150 ग्राम मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स लिया था और उससे मैंने ये स्पंज बना के ले लिया है 6 इंच टिन में। तो अभी मैं इसे 3 लेयर्स में कट कर लूँगी। अब हम इसके 3 लेयर्स कट कर लेंगे। चॉकलेट केक स्पंज कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। केक के 3 लेयर्स कट करके हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे 8 इंच का केक बोर्ड ले लिया है। अब उस पर हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे। क्रीम कैसे बनाते हैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ वहाँ पर जाके आप चेक कर लेना। अब इसे हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। शुगर सिरप कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है। सिर्फ हमें इसमें सादा पानी लेना है और 6 स्पून आपको इसमें शुगर ऐड करनी है। स्पंज हमने अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक कर लिया है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे। अभी इसे हम पैलेट नाइफ से अच्छे से फैला देंगे। अब इस पे हम डालेंगे चेरीज। अब इस पे हम डालेंगे चॉकलेट्स। मैं इस पे क्रश चॉकलेट्स ऐड कर रही हूँ। आप इस पे चॉको चिप्स भी ऐड कर सकते हो, या अगर आपको इसमें नहीं ऐड करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, पर ये बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक में। अब इस पे हम सेकेंड लेयर रख देंगे दिया है। अभी इस पे भी सेम हम शुगर सिरप से इसे सोक कर लेंगे और इस पर भी हम क्रीम लगा के चेरीज ऐड कर लेंगे। सेकेंड लेयर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर हम 3rd लेयर रख देंगे। अभी इसे भी हमें शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। शुगर सिरप से सोक हो चुका है। अब इसकी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा क्रीम लेना है हमें और ब्रेड को हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे ताकि ब्रेड के क्रम्स हम जो बाद में फिनिशिंग करेंगे क्रीम से उसमें ना लगे। साइड से भी हमें अच्छी तरह से कवर करना है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसकी हम आइसिंग करेंगे। पैलेट नाइफ पे मैंने थोड़ा क्रीम लिया है, अब उसे हम साइड में लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके आपको साइड पर अच्छी तरह से लगाना है।
साइड में आपको प्रॉपर क्रीम लगानी है और उसके बाद में ही आपको ऊपर साइड में क्रीम डाल के आपको अच्छी तरह से फैलाना है। अब इसे हम प्रॉपर प्लेन कर लेंगे। स्क्रैपर से हम साइड्स में प्लेन करके लेंगे। कहीं पर आपको लगता है कि केक दिख रहा है वहां पर आप क्रीम लगा देना और स्क्रैपर से आप अच्छी तरह से प्लेन करके ले लेना। अब हम ऊपर भी अच्छी तरह से प्लेन करके ले लेंगे। फिनिशिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं नोजल लूंगी, स्टार नोजल। केक की फिनिशिंग हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब ये जो साइड में क्रीम लगा है बोर्ड पर, उसे हम क्लीन कर लेंगे। पाइपिंग बैग में हमने क्रीम भर लिया है, अब इसे हम कट कर लेंगे। अब साइड में हम फ्लावर की डिजाइन निकालेंगे। अब जो गैप है अब उस पे भी हम फ्लावर निकाल लेंगे। डिजाइन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इस पे चेरी रखेंगे। लेंगे चॉकलेट स्क्रम। चॉकलेट्स को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, अब उसे इस पे ऐड करेंगे। अब हम साइड्स में भी चॉकलेट स्प्रिंकल कर लेंगे।
अब हम ऊपर भी एक चेरी लगा देंगे। और अब इस जगह को मैं अभी क्लीन करके ले लेती हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर के हमारा रेडी है, वो भी बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरह से प्यारी प्यारी इस वीडियो देखने के लिए बहुत इजी तरीके से मैंने ये आपको बताया है। प्लीज़ वीडियो मेरी पूरी देखना और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।